नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं लर्निंग के नियम, मीनिंग लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? अधिगम के नियम पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे। किसके? अधिगम के, मीनिंग लर्निंग के। ठीक है, हमने पीछे वाले नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लर्निंग मीनिंग अधिगम के प्रकार पढ़े थे। अब उसी को आगे करते हैं कि अधिगम के हमारे पास नियम है। कहता है कि लॉज ऑफ लर्निंग के अंदर जो प्रमुख नियम थे, जो मुख्य नियम थे, वो किसने दिए थे? थोर्नडाइक ने दिए थे। थोर्नडाइक ने दिए थे, उसने कहा कि लर्निंग के जो नियम है वो प्रमुख नियम हमारे पास तीन है। पहला नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, लॉज ऑफ रेडीनेस। इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर या बालक की बात करें तो इच्छा शक्ति व कल्पना शक्ति को महत्व दिया था। उसने कहा कि यदि किसी काम को सीखने के लिए यदि हम तैयार हैं, तत्पर हैं, क्या है? तैयार या तत्पर हैं, तो उस काम को हम जल्दी या आसानी से सीख लेते हैं, सीख सकते हैं। मीनिंग यहाँ पर महत्व किस चीज़ का है? हमारी इच्छा शक्ति का, हमारी तत्परता का, हमारी तैयारनेस का है। मीनिंग हम किसी काम को करने के लिए किस प्रकार तैयार है या तत्पर है। जितना जल्दी हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की इच्छा शक्ति होगी, हम उसी ढंग से या कह सकते हैं उतनी आसानी से उसी काम को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हुआ? पहला नियम तत्परता का नियम। किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्परता यदि है तो हम उस कार्य को शीघ्र ही क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। तो ये कौन सा नियम हुआ? तत्परता का नियम। मीनिंग लर्निंग के लिए तत्पर होना या तैयार होना जरूरी है। ये किसके अंदर बताते हैं? तत्परता का नियम बताता है हमें। इसके ऊपर एक बाटिया की क्या थी हमारे पास, उसके विचार थे। वो कहता है कि तत्पर या किसी कार्य को तैयार होने का मतलब क्या है कि हम उस कार्य को आधा कर चुके हैं। मीनिंग युद्ध का आधा विजयी होना है। यदि हम मान लो कि जैसे कोई काम को हमें करना है तो हमारे अंदर क्या है, उसके प्रति इच्छा है कि हम ये तो करके रहेंगे, तो उसका मीनिंग है कि वो आधा हो गया। ठीक है, ये किसने कहा? भाटिया ने कहा था। भाई युद्ध के लिए तैयार होना युद्ध का विजयी होने के आधा बराबर है। तो ये किसका विचार था हमारे पास? भाटिया का था। ठीक है, दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम, लॉज ऑफ एक्सरसाइज। इसके अंदर इसी नियम को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉज ऑफ एक्सरसाइज को ही उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। कहता है कि इसके अंदर क्या होता है, हम किसी कार्य की क्रिया को है ना, जो हमें कार्य करना है उसकी क्रिया को क्या करेंगे, बार बार दोहराएंगे, जिससे क्या होगा वो हमारे लिए दृढ़ होता जाता है। मीनिंग उस काम के प्रति हमारी क्या हो रही है, दृढ़ता बनती जा रही है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होता है। मीनिंग कोई भी कार्य है यदि हमें उसको मजबूत बनाना है, मान लो किसी कंसेप्ट को हमें सीखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको यदि बार बार दोहराएंगे, बार बार उसकी रिवीजन करेंगे, मीनिंग उसका हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं बारी बारी में, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, दृढ़ हो जाता है या फिक्स हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कई बार ये कुएं पर क्या होता है, पानी रस्सी से खींचते हैं ना, बारी बारी वहां से क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, कुएं की जगत बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। मीनिंग पानी निकालते हैं तो वो रस्सी क्या होती है, ऊपर नीचे ऐसे जाते हैं ना, वहां पर क्या हो जाते हैं, जहां रस्सी के क्या होते हैं, निशान छप गए। मीनिंग क्या हुआ कि वो काम वहां पे बार बार दोहराया गया, जिसकी वजह से वो क्या है, फिक्स्ड हो गया। उसी तरह ज्ञान का है, यदि हम किसी काम को हमें सीखना है, यदि हमें किसी लेसन को याद करना है या कह सकते हो लेसन को समझना है, यदि हम उसको बार बार दोहराएंगे, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो कैसा होता जाएगा, वो अधिगम हमारे लिए फिक्स होता जाएगा, परमानेंट होता जाएगा हमारे दिमाग में। ठीक है ना, मीनिंग वो दृढ़ होता जा रहा है हमारी चीज़। ठीक है, वैसे ही जैसे एग्जांपल, अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी क्या बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। मीनिंग अभ्यास का नियम क्या है, जिससे हम अधिगम को क्या बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं। ठीक है भाई, सीखने के लिए अभ्यास भी क्या जरूरी है, एक क्या तत्परता जरूरी है। यदि अधिगम लाना है, सीखना है कुछ, तो उसके लिए तत्पर होना भी जरूरी है। तत्पर होएंगे तो जल्दी सीखेंगे, यदि अभ्यास करेंगे तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है, दृढ़ होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। उसके बाद आता है प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉज ऑफ इफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, संतोष या असंतोष का नियम, मीनिंग प्लेजर या पेन, दुख या सुख का नियम भी कहते हैं ना, प्लेजर मीनिंग सुख, पेन मीनिंग दर्द, भी इसी को क्या कहते हैं, लॉज ऑफ प्लेजर एंड पेन, संतोष या असंतोष का नियम।
परिणाम का या प्रभाव का नियम, मीनिंग किसी कार्य को हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जैसा हमें रिजल्ट मिलेगा, मीनिंग रिजल्ट परिणाम यही होता है ना भाई, उसके क्या होंगे, या तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलता है तो सुख होता है, खुशी होती है ना, वो किसके अंदर आता है, सुख का नियम हो गया। मीनिंग हमारे पास संतोष का नियम भी, कार्य को करने के बाद यदि हम कोई काम कर रहे हैं जिसको करने के बाद हमें क्या संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो हम उस कार्य को क्या करेंगे, बार बार करेंगे। जो चीज़ हमें क्या मिल रही है, इनाम, जैसे बच्चे के लिए ही है, यदि कोई बच्चा क्या करता है अच्छे नंबर लेके आ रहा है, उसको हम क्या देंगे, कोई इनाम दे देते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं, खाने की टॉफी है कुछ भी, तो वो क्या करेगा, उस काम को बारी बारी करेगा ताकि उसको बारी बारी में क्या मिलता रहे, वो इनाम मिलता रहे, पुरस्कार मिलता रहे, तो वो कार्य को क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है। मीनिंग उसकी अधिगम कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नॉलेज को अपने को बढ़ा रहा है, किसके थ्रू, संतोष के नियम के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, संतोष के नियम के साथ क्या होता है, पुरस्कार या सुख होता है हमारा, ठीक है, रिलेट। असंतोष का नियम क्या है, या दंड का नियम भी, इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट डाल रहे हैं, किस तरह का प्रभाव आ रहा है। यदि मान लो कोई कार्य करते हैं उसके बाद हमें कोई दुख दर्द या संकट, या हमें कोई मान सम्मान उस चीज़ में नहीं मिल रहा, हमें क्या हो रहा है, तो व्यक्ति क्या उस कार्य को द्वारा करेगा, उसकी क्या होगी, उसके प्रति रुचि कम हो जाएगी, या फिर वो क्या करेगा, उस कार्य को करेगा ही नहीं, आगे आने वाले टाइम में उस कार्य को क्या कर देगा, छोड़ ही देगा, उससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसको वहाँ पर क्या मिला, कुछ दुख मिला, दर्द मिला, या फिर उसको कोई सम्मान नहीं मिला, या हो सकता है बच्चे के केस में, कई बार बच्चों को क्या होते हैं कि हम बारी बारी में उस चीज़ के लिए डांटते रहते हैं, कोई काम के लिए, वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस काम को करने से साफ मना कर देता है। तो मीनिंग वहाँ पर उसको क्या मिल रहा था, दंड मिल रहा था, मीनिंग असंतोष था उसके लिए, तो ये क्या बन गया, असंतोष का नियम, ठीक है। ये क्या थे हमारे प्रमुख, मीनिंग मुख्य नियम थे, कौन से नियम थे, मुख्य नियम थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं गौण नियम, अब हम पढ़ेंगे अधिगम के अन्य या गौण नियम। हमने पहले पढ़े मुख्य नियम, अब हमारे पास कुछ गौण नियम है, वो कौन से, देखो एक होता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, कौन सा है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, जैसे नाम से पता लग रहा है, बहु प्रतिक्रिया, मीनिंग जिसके अंदर बहुत सारी क्या हो, हमारी क्रियाएं हो, ठीक है ना, बहु क्रियाएं, नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या तरीके अपनाते हैं, मीनिंग हम कुछ नया सीख रहे हैं, हमें कुछ नई नॉलेज लेनी, तो उसके लिए हम क्या होते हैं, अलग अलग क्रियाएं करेंगे, अलग अलग क्या है, तरीके अपनाएंगे उस चीज़ को सीखने के लिए। तो ये कौन सा नियम हुआ, बहु प्रतिक्रिया नियम हुआ, किसका, अधिगम का। उसके बाद है आत्मीकरण का या सादृश्य का नियम, किसे कहते हैं, कहते हैं जिसके अंदर नई बात सीखने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंध बनाते हैं, मीनिंग जैसे हमें कोई, जैसे हमें सिक्स क्लास में आते हैं तो फिफ्थ का जो ज्ञान है उससे क्या करते हैं, कुछ रिलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, हम कुछ नया सीख रहे हैं, पर किसके बेस पे सीख रहे हैं, पूर्व ज्ञान के संबंध से। जैसे नई बात सीखने से पूर्व कार्य को पूर्व ज्ञान से संबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमें ज्ञात की तरफ जाना है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, जो जाना हुआ है उससे कुछ नई चीज तक जाना, जो हम नहीं जानते उसकी तरफ, मीनिंग नोन से कहाँ जाएंगे, अननोन चीज तक जाना हो, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे हम, अपने पूर्व ज्ञान के बेस पे क्या करते हैं, कुछ नई नॉलेज लेते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, सादृश्य या आत्मीकरण का नियम है। मीनिंग हम क्या क्या आत्मसात कर रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं, किसके आधार पे, हमारे पूर्व अनुभव के आधार, पूर्व ज्ञान के आधार पे। अब आता है, उसके बाद आता है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का जो नियम है ना, वो मानसिक क्रिया नियम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मानसिक क्रिया नियम बोलते हैं, मानसिक क्रिया, जैसे नाम से मनोवृत्ति, तो कहते हैं कि यदि हमें किसी काम को सीखने के लिए हमारे अंदर उस चीज़ के प्रति क्या है, मनोवृत्ति है या अभिवृत्ति है, उस चीज़ के प्रति हमारी रुचि है, तो हम उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं, उसी हिसाब से सीखेंगे। यदि हम किसी काम के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, हमें वो काम क्या है, खुद धक्के से करना पड़ रहा है, क्या दबाव के साथ करने पड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, उस काम को करने में क्या टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ना वो अच्छा हो पाएगा उतना। तो इसलिए क्या, किसी भी काम को सीखने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, उस काम के प्रति अच्छी रुचि होनी चाहिए, अभिवृद्धि होनी चाहिए या मनोवृत्ति होगी, तो ही हम उस कार्य को क्या है, उसी हिसाब से सीख पाते हैं, ठीक है। भाई जितनी हमारे अंदर उस काम के प्रति क्या है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है ना, उसी हिसाब से हम सीखेंगे। और ये क्या है, सारी मानसिक क्रियाएं है ना, जी
मन के अकॉर्डिंग है, हम उस काम को करना चाह रहे हैं या नहीं। तो जैसे नाम से याद रखना, मन से रिलेटेड है तो ये क्या हो गया, मनोवृत्ति नियम, ठीक है। जैसे बहु प्रतिक्रिया मीनिंग, बहु नाम से ही पता लगे, बहुत सारी क्रियाओं से रिलेटेड। आत्मीकरण मीनिंग हम क्या कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं उस चीज का, मीनिंग हम पीछे वाले को आगे के साथ रिलेट कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं उसका। एक होता है आंशिक नियम या श्रृंखला का नियम भी कहते हैं इसको। आंशिक जैसे नाम से पता लग रहा है, आंशिक का मीनिंग कहता है पार्ट, एक टुकड़ा ना। इसमें क्या करेंगे, किसी काम को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे उसको, और फिर उसको क्या करते हैं, कर रहे हैं। मान लो तो जैसे क्या हो गया, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, आसान होगा, सरल हो जाएगा हमारे लिए, अब सरल व सुगम हो जाएगा, तो जिससे क्या हम जल्दी सीख पाएंगे। मीनिंग छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करके डिवाइड करके काम को करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और जिससे हम क्या कुछ अच्छा सीख पाते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा आंशिक नियम हो गया। मीनिंग इसके अंदर हम कहाँ जा रहे हैं, अंश से पूर्ण की ओर जा रहे हैं, मीनिंग पार्ट से होल तक जा रहे हैं। तो ये पार्ट होल मेथड के अंदर भी यूज हो रहा है ना हमारा, आंशिक से पूर्ण की ओर जाना, किसका पार्ट है, आंशिक नियम का ही पार्ट है ये विधि, ठीक है। उसके बाद है सहचार परिवर्तन का नियम। सहचार परिवर्तन का नियम क्या है, मीनिंग सहचार का मतलब क्या है, कहते हैं पहले कभी भी कोई क्रिया हमने की हो, वो सेम क्रिया हम कोई दूसरी स्थिति में करने लग जाए ना, वो क्या है, सहचार है। मीनिंग पहले कभी किसी काम के या किसी भी क्रिया को समान दूसरी स्थिति में अपनाते हैं, मीनिंग एक पहले कभी क्रिया की और उसी को दूसरी स्थिति में आगे कहीं अपना रहे हैं, वो क्या है, सहचार है हमारा। जैसे क्या होता है कई बार लड़कियों में, जैसे खुद की विदाई पे वो सब क्या आती, रोती है, सेम यदि वो ही वीडियो अपनी देख रही है शादी की, तो वो क्या आती है, उस वीडियो को देखकर भी क्या कर जाती है, रोने लग जाती है ना, ये क्या है, उसका सहचार है। मीनिंग वो कंडीशन उसकी क्या माइंड में दोबारा वो स्थिति प्रोड्यूस हो गई वहाँ पर, ये क्या हुआ, सहचार्य हुआ हमारे लिए, ठीक है। या जैसे माँ होती है, माँ क्या होती है, बच्चे से यदि दूर होती है तो वो क्या आती है, रोने लग जाती है, कुछ टाइम बाद क्या करेगी, उसकी फोटो को भी देख के क्या करती है, रोने लग जाती है, ये क्या उसका सहचार्य है, ठीक है, क्या हुआ, इसी को सहचार्य बोलते हैं। या फिर अधिगम की बात करें, मीनिंग प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में करने लग जाएगा, वो क्या है कि जो उसके पास ज्ञान है ना उसका, वो आगे कहीं वैसी कोई कंडीशन आती है, वैसा ही कुछ उसे रिलेट आता है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा सहचार्य प्रवर्तन का नियम है। ये थे हमारे लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अंदर हमने क्या पढ़े, पहले मुख्य नियम और उसके बाद ये कौन से नियम है, गौण नियम, ठीक है, अदर्स लॉज ऑफ लर्निंग। इतने ही थे हमारे लॉज ऑफ लर्निंग। थैंक्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।